नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अदिति सिंह, नाम तो सुना ही होगा, वही अदिति सिंह जिन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बस वाली सियासत की हवा निकाल कर रख दी थी, जिससे झल्लाई कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से विधायक अदिति सिंह आजकल अपने क्षेत्र में गरीब मजदूरों की सेवा में जुटी हुई है और इस काम में उनका साथ दे रही है मां वैशाली सिंह और बहन देवाशी सिंह। चाहे सरकारी काम की जांच परख हो या फिर गरीबों को राशन पहुंचाना, हर कदम पर मां और बहन अदिति सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अदिति सिंह ने ट्वीट कर बताया, सदर विधानसभा रायबरेली के विकास कार्यों में मेरा सहयोग देने वाली मेरी छोटी बहन देवांशी सिंह ने आज जगदीश विहार तुलसीनगर फेस वन फेस टू में नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे नाली सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। एक और ट्वीट में अदिति सिंह ने बताया, छोटी बहन देवांशी सिंह व माँ वैशाली सिंह जी ने नगर पालिका परिषद रायबरेली द्वारा कराए जा रहे कोतवाली रोड के निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी। तो लॉकडाउन में भी सड़कों पर उतरकर जनता की सेवा में जुटी अदिति सिंह का ये सेवा भाव देखकर लोग उन्हें बीजेपी में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग तो उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी के विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। ट्विटर यूजर विश्वकांत भारद्वाज ने लिखा, अगले लोकसभा चुनाव पर नजर रखिए, सोनिया उर्फ एंटोनिया को हराना है। ट्विटर यूजर अंकित सिंह ने कहा, जल्द भाजपा परिवार में आइए, हम सब आपके स्वागत के लिए ललायत हैं। तो कांग्रेस से बगावत करने वाली अदिति सिंह के बीजेपी में जाने की संभावनाएं अब जताई जा रही हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ ही हरियाणा के कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद को भी यही लगता है और इसलिए उन्होंने बकायदा ट्वीट कर कहा, अदिति जी, कल आप बीजेपी के लोगों पर जान से मारने के आरोप लगा रही थी, आपकी कार पर बड़ा भयानक हमला भी किया गया था, आपने शायद संघर्ष को छोड़कर सत्ता के गलियारों को प्राथमिकता देने की ठान ली है, लेकिन राजनीति में संघर्ष, लोग, सच, हक की जीत होती है। तो अगर अदिति सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की संभावनाएं सच होती हैं, तो बीजेपी को सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक अच्छा विकल्प मिल सकता है, क्योंकि वो लोकल नेता तो हैं ही और उनके पिता अखिलेश सिंह भी रायबरेली के बाहुबली नेता रह चुके हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से अदिति सिंह सक्रिय है, उनका काम भी सोनिया गांधी की लोकप्रियता पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब काम की राजनीति का ट्रेंड है, नाम का नहीं। वैसे भी जब राहुल गांधी का किला स्मृति ईरानी भेज सकती है, तो रायबरेली में भी सोनिया को टक्कर देना मुश्किल नहीं लगता।